हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि आरसीसी क्या होती है। उसमें कंक्रीट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब कंक्रीट के साथ दूसरा मेंबर ऐसा था जो कि टेंशन को क्या कर सके, रजिस्ट कर सके। तो हमने बोला था टेंशन को रजिस्ट करने के लिए माइल्ड स्टील की रेनफोर्समेंट बार हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका रीज़न भी हमने बताया था कि कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ माइल्ड स्टील एंड कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ माइल्ड स्टील या स्टील एंड कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ कॉन्क्रीट आर नियर टू सेम, बिल्कुल आसपास होता है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो यही बात थी। तो यही हमने बोला। तो जो भी हमारा स्टील मटेरियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए और रेनफोर्समेंट हमें क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमें ये तो पता है कि रेनफोर्समेंट जो रहेगी वो ऐसा मटेरियल रहेगा जिसकी क्या अच्छी हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो, पहली चीज़ है ना। दूसरा, उसका कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन नियर टू द कॉन्क्रीट हो। तीसरा क्या हो, उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, वो तो हम पहली बात कर चुके हैं। ठीक है, चौथा हम क्या बोल सकते हैं उसको, कि हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हो। सॉरी, हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हो। इलास्टिसिटी तो समझ में आता, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या हुआ, ऐसा मटेरियल जिस पे फोर्स लगाने के बाद विद इन द इलास्टिक लिमिट फोर्स लगाया तो वो क्या हो जाए, डिफॉर्म हो जाए। डिफॉर्म तो नहीं बोल सकते, अपना साइज चेंज कर ले और जैसे ही हम अपन उस पे से अपना जो अप्लाइड फोर्स है वो हटा दे तो वो अपने ओरिजिनल साइज पे आ जाते हो। उसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। वो इलास्टिसिटी बोल देंगे तो इलास्टिसिटी तक आपका विथ इन द इलास्टिक रेंज तक आपका वापस ओरिजिनल शेप पे आ जाए तो वो कहलाएगा इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो स्टील क्या हो, आपका इलास्टिक हो और उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अच्छी हो। और साथ ही साथ में ऐसा नहीं हो, बहुत अच्छा मटेरियल है लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो अभी वाइडली यूज़ हो रहा है। आरसीसी कंस्ट्रक्शन तो इतना यूज़ हो रहा है और हर लोगों को घर बनाने की अपनी इच्छा है। गांव में भी देखेंगे तो आरसीसी स्ट्रक्चर चालू हो गए। इट मीन्स आपका क्या है कि ऐसा भी ना हो कि हम रेनफोर्समेंट मटेरियल ऐसा ले रहे कि पता चलता है कि वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं हो तो ईजिली अवेलेबल भी होना। तो यही हमने लिखा कि क्या है रेनफोर्समेंट। तो हमने बोला इन रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट बींग वीक इन अ टेंशन, कमजोर होता है, टेंशन नहीं केयर कर पाता, थोड़ा बहुत ही कर पाता है। स्टील बार आर यूज टू कैरी द टेंशन, है ना, सीधी बात है। सेकेंड, स्टील बार आर ऑल्सो यूज टू कैरी द कंप्रेशन इन कॉलम एंड बीम। याद रखिए, खाली आपका टेंशन अकेला नहीं लेना है स्टील को। जब आप कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम पे जो लोड आता है वो कंप्रेशन का आता है, तो कंप्रेशन भी झेलना है किसको, स्टील को। साथ में बीम जब आगे आप पढ़ेंगे तो सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम होता है। सिंगली रेनफोर्स बीम में जो भी टेंशन बेयर करना होता है वो टेंसाइल जोन पे जो स्टील है वो करती है, लेकिन डबली रेनफोर्स बीम में हम टेंशन जोन एज वेल एज कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली इसको टेंशन ही बेयर करना है, कंप्रेशन भी बेयर करना है स्टील को। तो यही हमने लिखा कि स्टील बार आर ऑल्सो यूज टू कैरी अ कंप्रेशन इन बीम एंड कॉलम। उसके बाद बोला फॉर एनी मटेरियल टू बी यूज रेनफोर्समेंट फॉर कॉन्क्रीट इट शुड पजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि उसी लिए तो हम रेनफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं। इट शुड बी एबल टू डेवलप अ गुड बॉन्ड विथ कॉन्क्रीट। भाई कॉन्क्रीट के साथ जब तक बॉन्ड नहीं बनाएगा मजबूती से, जब तक फेलियर होने की चांस, कोई एक मटेरियल भी फेल हो गया तो फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर तो है। मेरे पास चार लोग हैं और चार लोग में से चारों में से अगर कोई भी एक फेल हो रहा है तो मेरा मैकेनिज्म तो फेल हो रहा है। वही काम कंक्रीट और स्टील के साथ, अगर एक कोई भी फेल होगा तो मेरा स्ट्रक्चर तो अल्टीमेटली फेल ही कहलाएगा, वही कहानी है। तो मैंने क्या बोला कि इट शुड बी एबल टू डेवलप द गुड बॉन्ड विथ कॉन्क्रीट। ठीक है, तीसरा इट शुड हैव द सेम और नियरली द सेम टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन एज कॉन्क्रीट टू अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस। तो जो भी थर्मल स्ट्रेसेस हो वो कॉन्क्रीट
और जो भी आप रिइंफोर्समेंट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके आसपास नियरर टू होने ही चाहिए, ताकि अगर एक्सपांड हो तो साथ में एक्सपांड हो, कॉन्ट्रैक्ट हो तो साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो, नहीं तो अलग एक ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है कम, तो डेफिनेटली जो ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है बाद में उस पर लोड आने पर टेंशन आया तो वो टूट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कॉन्क्रीट ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है और स्टील अपनी जगह है, ऐसे ये कॉन्क्रीट का पार्ट बढ़ गया तो बढ़ने से क्या होगा, यहाँ लोड आएगा तो कॉन्क्रीट कंप्रेशन तो झेल लेगा लेकिन नीचे वाला टेंशन में फेलियर हो जाएगा। तो जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है कि हाँ ये बिलवा तो इतना पहुँचा, सेम पहुँच गया या थोड़ा उसके नियर बाय पहुँचा कि कंक्रीट इतना ही इतना, तो भी चल जाएगा, फेलियर से चांस बच जाएगी। तो इसलिए या तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट भी उतना ही हो, एक्सपांड भी उतना हो, नियर बाय उतना हो, तो आपका बढ़िया मटेरियल रहेगा रेनफोर्समेंट के लिए। ये लिखा इट शुड पजेस द हाई मॉडल्स ऑफ इलास्टिकसिटी बात कर चुके हैं, और इट शुड बी अवेलेबल, तो ये डेफिनेशन होनी चाहिए। रीसेंट डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो रीसेंट डेवलपमेंट में हम ये भी देख रहे हैं आजकल कि इन द प्लेस ऑफ स्टील रेनफोर्स बार बाम्बू आर यूज्ड, ठीक है। तो कई जगह आपका सरिया की जगह क्या कर रहा है, बम्बू लकड़ी बांस यूज करके देख रहे हैं और वो कर रहे हैं देखते हैं। ज़्यादा टेंशन नहीं उस स्ट्रक्चर पर तो झेल जाएगा, ज़्यादा टेंशन आएगा तो फिर कुछ और भी करना पड़ेगा। तो रिसेंटली ये यूज़ करके देख रहे हैं, इस पर थीसिस कई थीसिस बन चुकी हैं, कई प्रैक्टिकल हो चुके हैं, है ना। तो वो चेक कर रहा है, कोशिश कर रहा है ना। लेकिन एक लॉन्ग लाइफ सर्विसबिलिटी के लिए बात करेंगे थोड़ी सी दिनों के लिए। अब क्या होगा बम्बू में, फिर उस तरीके से आपको कोटिंग करनी पड़ेगी वो पानी, क्योंकि आपका अल्टीमेटली इसको किसके साथ मिलना है, अल्टीमेटली इसको कंक्रीट के साथ मिलना है, और कंक्रीट को जहां मैं देखता हूं तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड वाटर, और जहां वाटर की बात करी और पानी, लकड़ी और पानी का तो दोस्ती अच्छी है, जल्दी से क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। और जहां आपका क्या हो गया, बांस सड़ गया, तो जिसको टेंशन झेलने के लिए आपने बनाया था वो खुद ही टेंशन में आ गया, वो खुद ही खराब हो गया, और जब वो खुद टेंशन में आ गया तो फिर वो क्या झेलेगा। इसलिए ये थोड़ा सा एक दिक्कत है उसके साथ, तो उसमें फिर कोटिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें चल रहा है। ये तो रिसेंट डेवलपमेंट है, करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं। कई जगह एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा दे रहे हैं। अब एल्यूमिनियम का जो कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन और कंक्रीट का वो एक जैसा नहीं है, तो वो भी एक थोड़ी सी दिक्कत है। तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करते रहेंगे, प्लस माइनस चलता रहेगा, उससे पता चलता रहेगा। तो कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन मटेरियल के हिसाब से अलग अलग रहता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो फिलहाल तो हमारा अभी तक तो ऑप्शन हमारे पास स्टील रेइंफोर्समेंट ही है, जिसका कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन बराबर है, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए, अगर हम बात करें टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट की, तो चार तरीके के रेनफोर्समेंट मार्केट में अवेलेबल है। पहला माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट, दूसरा आपका हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, तीसरा आपका थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार, चौथा करोजन रेजिस्टेंट स्टील बार, और पांचवा हार्ड ड्रॉन स्टील फैब्रिक, स्टील वायर फैब्रिक, ठीक है। माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट को ही प्लेन बार भी कहते हैं कई जगह कई किताबों में, ठीक है। तो माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट उसको प्लेन बार भी कहते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार HYSD से शो करते हैं, जनरली आपको ये बार बार बुक में बोलेता हुआ दिखेगा, ठीक है। थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार, ठीक है, TMT जिसको बोलते हैं, तो आज आपको एड्स में जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है इसमें देखा होगा, अगर इस लोकल में होंगे MP में तो आएगा सीधा बंसल TMT बार, गोयल TMT बार, ऐसा करके, है ना। और यहीं अगर अपन बड़े प्रोडक्ट कंपनियों में जाएंगे तो जिंदल सेल, RINL, विजाग, है ना, ये वाली सब, टाटा टिस्कन, ये सब कंपनियाँ बनाती हैं TMT, है ना। प्लेन बार तो एज जब आप प्लेन बार या माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट बार मंगाते हैं तो जनरली ये ऑर्डर पे आएगी। TMT सबसे ज़्यादा आपको दिखेगी, TMT HYSD से ही कुछ रिलेटेड पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बनाने की मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स चेंज हो जाती है, बाकी रहता वही तरीके का है, ठीक है।
उसके बाद बात करते हो आप करोजन रेजिस्टेंट स्टील बार। आजकल अभी आपका करोजन रेजिस्टेंट स्टील बार भी लगना चालू हो गया है, बस इसमें यही फ़ायदा है कि रहेगा TMT जैसे ही, कुछ आपके जो कंपोनेंट हैं स्टील के वो चेंज हो जाएंगे, कुछ परसेंटेज कार्बन का कम हो जाएगा और उसके रिस्पेक्ट में आपका कुछ परसेंटेज ऑफ क्रोमियम बढ़ जाएगा और अलग से एक तरीके की पॉलिशिंग कर दी जाएगी जिससे उस पर क्या हो, जंग ना लगे, जंग मतलब करोजन ना आए। तो करोजन रेजिस्टेंट है इसलिए उसका नाम ही रख दिया करोजन रेजिस्टेंट स्टील बार। उसके बाद हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक, ये क्या होता है कि कई जगह आपका सीधा सीधा वायर फैब्रिक मतलब कुछ नहीं, आपके स्टील के ऐसे बार्स होंगे, ठीक है, पतले पतले बहुत कम डाया के, 3-4 mm के डाया के ऐसे ऐसे बार होंगे, उसी के ऊपर मैश टाइप का रहेगा, उसी को हम बोलते हैं हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक। वायर फैब्रिक मतलब 3-4 mm के ऐसे वायर होते हैं और इसी के परपेंडिकुलर दूसरे वायर होते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये रेनफोर्समेंट की तरह ही दोनों वे में काम करता है, तो ये कहलाता है आपका हार्ड ड्रॉन स्टील वायर, ठीक है। प्लेन बार मतलब कुछ नहीं, कुछ इस तरीके से राउंड बार रहेगी, ये आपकी प्लेन बार कहला जाती है। इसी प्लेन बार में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, इसी प्लेन बार पे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ रिब बना दिए जाते हैं, रिब RIEB इसको बोलते हैं रिब, ठीक है। तो रिब बनाने के बाद ये डिफॉर्म बार कहलाने लगती, ऐसे आपको दिखती हुई की बनी हुई, सरियों में ऐसी दिखती है लेयर हाथ में गढ़ती हुई जो, ये कहलाती है रिब RIBE, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है डिफॉर्म्ड बार, साइज चेंज सेम ऐसे ही दिखेगी, TMT भी रिब्ड बार या ऐसी दिखेगी, ये रिब कहलाता, इसी को डिफॉर्म बार या TMT भी कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला प्लेन बार या रिब्ड बार, तो इसको बना लीजिए, फिर एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या है क्यों है कैसा है। तो हम बात करते हैं माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट की, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, एक्चुअल में क्या परेशानी है, जब हम स्टील एलॉय पे गए क्यों और माइल्ड स्टील ही क्यों, है ना। स्टील में जब अब मैं बात करूंगा तो स्टील से पहले हमारे पास रॉट आयरन था, कास्ट आयरन था, दो तरीके के आयरन हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जब हम रॉट आयरन को देख रहे थे तो रॉट आयरन का जो परसेंटेज था कार्बन का वो 0.15% था। कोई भी आयरन है या कोई भी स्टील है, सीधी सीधी कहानी दिमाग में बैठती है कि स्टील इज एलॉय ऑफ मेन क्या कंपोजिशन है उस पर आयरन कार्बन, ये सबसे ज्यादा रहेंगे, है ना। स्टील इज एलॉय ऑफ आयरन कार्बन, और भी पार्टिकल रहते हैं इसके अंदर, सल्फर भी आ जाता है आपका, फास्फोरस भी आ जाता है, ठीक है। तो जो आपका स्टील होता है वो एलॉय होता है आपका कार्बन का, सिलिकॉन भी होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है। मेन दो कंपोनेंट आपके जो इसके रहेंगे
कि जो हमारा स्टील है वो जनरली एलॉय होता है ना, एक अकेले उसका नहीं है। एलॉय मतलब तो समझ में आता है मिश्र धातु, अगर हिंदी में पढ़ाओ और वैसे पढ़ाओ, एलॉय मतलब दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर जो बनेगा वो आपका एलॉय कहलाएगा। तो स्टील की हमने बात करी, तो स्टील पहले आपका कास्ट आयरन चलता था, रॉट आयरन चलता था, माइल्ड स्टील उसके बाद आया। तो जब हम बात करें कि आयरन की बात कर रहे हैं, तो आयरन मतलब तो Fe हो गया, ठीक है। आयरन के साथ कार्बन का कंपोजिशन, उसके साथ कई जगह सल्फर, सिलिकॉन, क्रोमियम, निकल, इस तरीके की चीज़ें आपकी कुछ परसेंटेज में रहती हैं। तो मैक्सिमम परसेंटेज तो जो एलॉय में है, स्टील एलॉय में, भले वो रॉट आयरन हो, भले वो कास्ट आयरन हो, भले वो आपका माइल्ड स्टील हो, मैक्सिमम परसेंटेज तो आपका आयरन का ही रहेगा, मैक्सिमम परसेंटेज तो आपका आयरन का रहेगा। मेन जो फिनोमिना है वो लेस देन वन आपके बचे हुए इंग्रेडिएंट हो जाएंगे। मेन है आपका आयरन के साथ, मेन कंपोजिशन है कार्बन का, कार्बन ही उसमें सब कुछ करता है। कार्बन ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। तो मैं जब बात कर रहा था कि भाई मेरे को माइल्ड स्टील ही क्यों, मैं रॉट आयरन क्यों नहीं यूज़ कर रहा, कास्ट आयरन क्यों नहीं यूज़ कर रहा, तो पहले मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ कास्ट आयरन की। तो जब मैं कास्ट आयरन को देखता हूँ या रॉट आयरन को देखता हूँ, तो पहले आया रॉट आयरन एक एग्जांपल के लिए। तो रॉट आयरन में क्या था जो कार्बन परसेंटेज था, रॉट आयरन में क्या था जो कार्बन परसेंटेज था, वो लेस देन 0.15% था, मतलब 0.15% से कम था आपका कार्बन परसेंटेज। उसमें हुआ क्या, आपका कार्बन परसेंटेज 0.15% से तो कम हुआ, आपका जो कार्बन परसेंटेज है वो 0.15% से तो आपका कम हो गया, 0.15% से आपका कार्बन परसेंट कम हुआ। तो उस केस पे आपका जो रॉड आयरन हुआ वो सॉफ्ट हुआ और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बहुत रही उसकी। डक्टिलिटी मतलब क्या है, एक को खींच के उसको एज अ वायर तक खींच सकते हैं, वो कहलाती है डक्टिलिटी। तो रॉट आयरन की डक्टिलिटी बहुत थी, लेकिन स्ट्रेंथ के टर्म में अगर मैं बात करूं तो जो उसकी स्ट्रेंथ थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ थी, वो कम थी। वो टेंसाइल स्ट्रेंथ मेरी क्या थी, कम थी। इट मींस जब मैं बात करा कि रॉट आयरन से मैं काम चला लेता हूं, तो हमने करा चलाने की कोशिश करी, वो लंबा वायर की प्रॉपर्टी तो थी, उसकी डक्टिलिटी तो बहुत थी, लेकिन वो सॉफ्ट था, और सॉफ्ट होने के साथ साथ उसका क्या हो रहा था, वो जल्दी से टूट जा रहा होगा। जब टूट जा रहा, उसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा, एक वायर की तरह चला गया, चलो खींच गया, पर स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहा, टूटा भी नहीं, मान लो स्ट्रेंथ ही नहीं दे पा रहा। जब स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहा, तो हमने बोला अब क्या करें। फिर हमने क्या किया, प्रैक्टिकली कार्बन का कंपोजिशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, और कार्बन के कंपोजिशन को प्रैक्टिकली जब हमने 2 से 4, किसी बुक में 2 से 4 होता, किसी में 2 से 4.5 होता, किसी में कुछ होता, कार्बन के परसेंटेज को जब हमने 2 से 4% के बीच में फिक्स किया, तो उस केस में क्या हो गया कि जो आपके कास्ट आयरन की थी वो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हाई हो गई, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हाई हो गई लेकिन उसकी डक्टिलिटी कम हो गई, और साथ में वो ब्रिटिल हो गया। डक्टिलिटी क्या हो गई उसकी, कम हो गई, मतलब वायर की तरह नहीं खिंच पाया, तो वो ब्रिटिल हो गया, तो वो टूटने लगा, ठीक है। तो ब्रिटिलनेस आ गई उसमें, स्ट्रेंथ तो हाई हो गई लेकिन डक्टिलिटी कम हो गई। रॉट आयरन में क्या था, रॉट आयरन में मेरी डक्टिलिटी ज़्यादा थी, स्ट्रेंथ कम थी। कास्ट आयरन में डक्टिलिटी कम हो गई, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, तो भी मेरा काम नहीं चलना, मुझे तो ऐसा बनाना है डक्टिलिटी जिसकी ज़्यादा हो, ड्यूरेबल भी हो और हाई स्ट्रेंथ भी हो। तो उस केस में फिर मैंने क्या किया, कार्बन, मैंने मतलब प्रैक्टिकल करके पुराना कार्बन परसेंटेज को फिर चेंज किया। हमने देखा 0.15% से कम रखने पर डक्टिलिटी बढ़ रही लेकिन स्ट्रेंथ कम हो रही। 2% से 4.5% जब मैं कार्बन कंटेंट बढ़ा रहा, तो मेरी डक्टिलिटी कम हो जा रही और स्ट्रेंथ बढ़ जा रही। तो फिर हमने प्रैक्टिकली वाइज, है ना, ये अपनी मर्जी से नहीं करते कि परसेंटेज चूज कर दिया, प्रैक्टिकली वाइज फिर हमने क्या किया, कार्बन परसेंटेज को 0.15 से लेके 1.5 मैक्सिमम रख के देखा, प्रैक्टिकल किया। उसमें पता चला कि 0.15 से लेके 0.25% तक, अब कोई 0.25% में कोई 0.25 लिख देगा, कोई 0.23% लिख देगा, तो जनरली 0.23% पे आता है। उस पर हमें ऐसा मिला कि उस स्टील की डक्टिलिटी भी ठीक थी और स्ट्रेंथ भी ठीक थी। इसका मतलब कि जो रॉट आयरन में डक्टिलिटी अच्छी हो रही थी, स्ट्रेंथ कम हो रही थी, कास्ट आयरन में डक्टिलिटी कम हो रही थी लेकिन स्ट्रेंथ हाई हो रही थी। तो इन दोनों का मिक्सअप करके कार्बन कंटेंट के साथ हमने थोड़ा सा खेला किया, जैसे कार्बन कंटेंट के साथ खेला किया, प्रैक्टिकली निकाला, तो पता चला कि 0.15 से लेके 0.25% के बीच में कार्बन कंटेंट चेंज करने पर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ भी रही है और डक्टिलिटी भी मेरी ठीक आ रही है।
जब मेरे को, क्योंकि मेरे को रॉट आयरन से मैंने डक्टिलिटी उठाना था, कास्ट आयरन से मेरे को स्ट्रेंथ उठाना था, तो मैंने कार्बन परसेंटेज का खेला किया, कम ज़्यादा कुछ किया, और बाद में पता चला मुझे कि 0.15 से 0.25% के बीच में मेरा कार्बन डक्टिलिटी भी, मेरा स्टील डक्टिलिटी भी अच्छी दे रहा है और स्ट्रेंथ भी अच्छी दे रहा है। तो वो हमने सेट कर लिया कि हाँ भाई, स्टील जो हमारा रहेगा उसमें 0.15 से 0.25, जनरली 0.23% पे आपका, जनरली बोल रहा हूँ ना, कई बार प्रैक्टिकलिटी में ऊपर नीचे हो सकता है, वो स्टील आपकी डक्टिलिटी भी अच्छी दे रहा था और स्ट्रेंथ भी अच्छी दे रहा था, इसलिए हमने वहाँ यूज़ करना चालू किया रेनफोर्स सेक्शन में माइल्ड स्टील सेक्शन को। आगे समझ में, माइल्ड स्टील क्यों लगा, माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि रॉट आयरन में डक्टिलिटी अच्छी लेकिन स्ट्रेंथ कम, कास्ट आयरन में स्ट्रेंथ ज़्यादा लेकिन डक्टिलिटी कम। हमें तो दोनों चाहिए, डक्टिलिटी ज़्यादा होगी तो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी, सर्विस लाइफ ज़्यादा होगी, डक्टिलिटी कम होगी तो ड्यूरेबिलिटी कम होगी, सर्विस लाइफ कम होगी। तो ऐसा भी नहीं रखना कि जिसकी लाइफ कम हो, ऐसा भी नहीं रखना जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा हो लेकिन लाइफ कम हो, और ऐसा भी नहीं रखना कि जिसमें लाइफ ज़्यादा हो लेकिन स्ट्रेंथ कम हो, दोनों में फेल्यूर की चांस हो जाती है। इसलिए इसकी मिली जुली सरकार हमने बनाई, क्या हमने बोला था रॉट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज था वो 0.15% था, और हमारा जो कास्ट आयरन में परसेंट था वो 2 से 4 के बीच में था, तो लफड़ा तो हो रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसके बीच का कार्बन परसेंटेज प्रैक्टिकल वाइज सेट किया और डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ को चेक किया, तो हमें पता चला अल्टीमेटली कि 0.15% से 0.25% अगर मैं कार्बन का वेरिएशन करता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और डक्टिलिटी भी बढ़ रही है। और बहुत सारे प्रैक्टिकल में फिर फाइनली पता चला कि 0.23% जब मैं स्टील में कार्बन का परसेंटेज रखता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ भी मुझे बढ़ी हुई मिल रही है और डक्टिलिटी भी बढ़ी हुई मिल रही है। किसी किताब में 0.25 लिखा होगा, किसी में 0.23 लिखा होगा, किसी में 0.20 लिखा होगा, 0.23 मैक्सिमम किताबों में लिखा रहता है, इसलिए हम मान के चलते हैं। प्रैक्टिकल तो मैंने भी कंपोजिशन चेंज करके नहीं किया, ये पहले से जो किया रहा है उसकी बात करें। तो अब मुझे समझ में आ गया कि स्टील, अब इतनी कहानी पढ़नी क्यों पड़ी, इतनी कहानी इसलिए पढ़नी पड़ी कि सर कास्ट आयरन भी तो ले सकते थे, सर रॉट आयरन भी तो ले सकते थे, काय को आप सबसे पहले माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट की बात करें। तो माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा मटेरियल चाहिए था जिसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब डक्टिलिटी भी ज़्यादा हो और साथ ही साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो यही हमने लिखा माइल्ड स्टील में। ठीक है, माइल्ड स्टील हैव बीन वाइडली यूज फॉर द रेनफोर्समेंट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इज 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जो यील्ड स्ट्रेंथ आती है वो 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आती है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज Fe 250 बिकॉज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्टील इज 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, अमॉन्ग ऑल काइंड ऑफ स्टील माइल्ड स्टील इज मोस्ट डक्टाइल, है ना। अमॉन्ग मतलब वही दोनों की बात जो मैं कर रहा था, तो यही मैंने शॉर्ट में लिखा कि रॉट आयरन ये दिखना नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया, ये आप कहीं साइड में लिख लीजिएगा, ये कहीं आपसे वैसे नहीं पूछने वाला। हाँ, लेकिन जैसे ही स्टील स्ट्रक्चर आएगा तो ये चीज़ फिर आएगी। तो यही मैंने साइड में लिखा कि रॉट आयरन का जो कार्बन परसेंटेज होता है 0.15% के बराबर या उससे कम होता है। रॉट आयरन सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, स्ट्रेंथ लेस होती है। फिर मैंने बोला कास्ट आयरन की बात करूँ तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, हाई होगी, हार्डनेस आएगा, ब्रिटलनेस आएगी, कंप्रेशन में भी ठीक होता है लेकिन डक्टाइलिटी कम होती है, और डक्टिलिटी कम होगी तो लेस ड्यूरेबल होगा। फिर मैंने क्या किया, कार्बन और इसका जो कार्बन परसेंट था वो कास्ट आयरन में 2 से 4% था। ये कार्बन है ना, कार्बन परसेंटेज, ये कार्बन परसेंट था 2 से 4%। ठीक है, और कास्ट आयरन में कार्बन 2 से 4% था तो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हाई थी, है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को तो मैं बोल सकता हूँ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्ड हो जाता है, ब्रिटिल हो जाता है, डक्टिलिटी कम हो जाती है। तो फिर हमने इसके बीच का 0.25 से 1.50 जनरली लिखता है किताब, लेकिन प्रैक्टिकली प्रिफरेबली 0.15 से ज़्यादा और 0.25 के बीच में आपका क्या होता है, आ जाता है। और कहाँ तक जा सकता है, ये गो अप टू 2%, दो नहीं है ये 1.5 ही रहता है, मैक्सिमम मिनिमम किताबों के हिसाब से अलग है। वही हमने बोला स्ट्रेंथ के केस में रॉट आयरन की स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील से कम होती है और कास्ट आयरन से ज़्यादा होती है। अगर हार्डनेस की बात करूँ तो रॉट आयरन कम हार्ड होगा, माइल्ड और इससे ज़्यादा होगा, और कास्ट आयरन अभी भी हार्ड होगा। और टफनेस की बात करें तो कास्ट आयरन कम टफ होगा, माइल्ड स्टील
तो बीच में ही आ रहा है हर जगह, और रॉट आयरन भी है। लेकिन डक्टिलिटी की बात करेंगे तो कास्ट आयरन से डक्टिलिटी ज़्यादा है लेकिन रॉट आयरन से कम है, इसलिए जो बीच वाला पार्ट है सेफ्टी के पर्पज़ से वो हम ले लेते हैं। तो इसको यहाँ तक लिखने के बाद मेरे को समझ में आया। फिर हमने बोला कि हमने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा होगा, या हमने सोम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा होगा। सिमिलरली अगर हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा तो उसमें प्लास्टिक एनालिसिस के लिए बात करी, उस केस में भी हमने माइल्ड स्टील का कर्व पढ़ा होगा। सेम वो माइल्ड स्टील का कर्व यहाँ भी आएगा, जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बोला कि अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हम कर्व बनाते हैं तो विथ इन इलास्टिक लिमिट तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हमने पढ़ा होगा हुक्स लॉ की वजह से। किसकी वजह से? हुक्स लॉ। क्या बोलता था हुक्स लॉ? विथ इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब समझना, बहुत काम की चीज़ है, पढ़ा आपने सब होगा, वही मैं यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या हुआ, इलास्टिक लिमिट तक कोई भी मटेरियल की कुछ ना कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्ट प्लास्टिक नहीं होता। इलास्टिक प्रॉपर्टी कब? इलास्टिक मतलब समझ लो, एग्जांपल के लिए लोअर आता है जिसमें इलास्टिक लगी रहती है, बीच में पेंट भी आता है जिसमें इलास्टिक लगी रहती है, कुछ सालों बाद वो इलास्टिक अपने आप ढीली हो जाती है, एक एग्जांपल है ना। दूसरा, उस इलास्टिक को बहुत दिन खींच के रखो तो भी वो ढीली हो जाती है, तो उसकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही उस पर लोड लगाए रखो, एक टाइम तक ही उसकी लिमिट होती है। उस लिमिट के अंदर जब आपने फोर्स लगाया और छोड़ दिया तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो विथ इन इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनेट होगा। तो हमने बोला इनिशियल जीरो, विथ इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहाँ तक आ गए। फिर क्या होगा है ना, यहाँ मैक्सिमम चला गया, ए पॉइंट मान लिया, इसको ओ मान लिया, तो ओ से ए तक इलास्टिक रेंज रही, समझना, ओ से ए तक इलास्टिक रेंज रही। मैंने बोला मेन कंपोजिशन किस किस का है? आयरन और कार्बन का। आयरन और कार्बन में जब जाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी जब देखेंगे तो कार्बन का एटम नंबर होता है कितना? 6। उसके क्लास ऑर्बिट केमिस्ट्री की बात करता था तो 2 पहली क्लास में आएंगे, एस पी ऐसे करके ऑर्बिट होती थी, कक्षाएं होती थी, तो हमें मालूम है कि पहले 2 एटम कहाँ आ जाएंगे, पहले जो आपके 2 एटम आ जाएंगे वो आ जाएंगे किस में? एस में, बचे 4। अब कार्बन में इतना अच्छा कार्बन होता है कि कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन अपने 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, 2 होते तो सिंगल बॉन्ड, 4 हैं तो डबल बॉन्ड। तो कार्बन ने क्या किया, कार्बन जब तक कार्बन आयरन के साथ मिला हुआ मजबूती से, इस पर हम टेंसाइल मशीन से जब आपने प्रैक्टिकल किया भी होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो रॉड को आप ऐसे मशीन में यूटीएम में फंसा देते हैं और खींचते रहते, टेंशन देते रहते हैं, जब तक उसकी इलास्टिक लिमिट है जब तक तो वो खींचता जाएगा। इसका मतलब वो यहाँ तक आ गया, उसने पूरी ताकत जितनी थी, मतलब मेरे में एक ताकत थी तब तक मुझे खींच लिया, तो जब तक ताकत थी जब तक तो मैं अपनी हाई पॉइंट पर चला गया, तो अपर इल्ड पॉइंट हो गया ए पॉइंट। फिर क्या होता है, जब खींचने के बाद धीरे से मैं थक जाता हूँ तो मेरा बॉन्ड स्ट्रेस कम होता है, धीरे धीरे कम हुआ, तो ये हाई परफॉर्मेंस के बाद यहाँ आ गया, थोड़ा सा कम हुआ, और जहाँ मेरा कार्बन और इसमें मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, जब तक इन दोनों के बॉन्ड में ताकत थी जब तक तो ये अपने ए पॉइंट तक चला गया, जैसा ही इसकी ताकत धीरे धीरे कम हुई ये ऐसे छूटने लगा, जब यह छूटने लगा तो इस पॉइंट पर आया, और एक पॉइंट ऐसा आया जब कार्बन और आयरन के बीच का जो बॉन्ड है वो निकल गया, छूट गया, ऐसे मजबूती थी, दोस्ती थी, आ गई आड़ लड़ाड़ और ये निकल गया बीच में। जब बॉन्ड आपका कार्बन और आयरन का टूटा तो मटेरियल पे पहला फ्रैक्शन दिखा, स्टील पे पहला फ्रैक्शन दिखा, पहला क्रैक दिखा, वो बी पॉइंट था, इसको बोलते हैं लोअर इल्ड पॉइंट। ए हो गया आपका अपर इल्ड पॉइंट, बी आपका हो गया लोअर इल्ड पॉइंट, ठीक है। तो आपने बोला
जहां मेरा पे जिस स्ट्रेस पे मेरा पहला फ्रैक्शन ऑफ मटेरियल दिख जाए, पहला फ्रैक्चर दिख जाए, पहला क्रैक दिख जाए, वो मेरी स्ट्रेस कहलाएगी, वो मेरी स्ट्रेस कहलाएगी यील्ड स्ट्रेस। वो मेरी स्ट्रेस कौन सी कहलाएगी? यील्ड स्ट्रेस। तो बी पॉइंट पे पहला फ्रैक्शन दिखा और स्ट्रेस दिखी। इसका मतलब एक और इसको इस तरीके से समझो, मैं गाड़ी चला रहा था, जब तक मैं चलता रहा धूम के हीरो की तरह भगाता रहा और एक्सीडेंट हो गया तो हड्डी आपस में से ब्रेक हो गई। फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने महीने भर का मुझे क्या लगा दिया, प्लास्टर लगा दिया। तब मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती कम होती, तो वही सेम कहानी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी कम हो रही थी। कब तक? जब तक ये जुड़ने में नहीं आ गया। जैसे ही ये जुड़ गया, मतलब ये कार्बन एटम या हमारी हड्डी जुड़ने के जो एक महीने का डेढ़ महीने का प्लास्टर डॉक्टर बांध देता है ताकि आपस में जुड़ जाए, अब जैसे जुड़े वो भगवान जाने। तो जब तक जुड़ती है तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हमें फील होती है, आ रही है जा रही है, थोड़ा वेट लगता है तो दर्द होता है तो फिर नीचे चली जाती है, फिर थोड़ा दिन में लगता है हम तो शक्तिमान है, फिर ऊपर आ जाती है दवाई गोली खाते हैं। तो वैसे ही आपकी कार्बन और आयरन भी आपस में जुड़ते हैं भगते हैं, तो स्ट्रेंथ भी आपकी ऐसे ऐसे करके डिफ्लेक्ट होती। इस पर्टिकुलर जहाँ पे कार्बन और आयरन के पार्टिकल आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ स्ट्रेंथ ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होती है, उस प्लूटू को बोलते हैं इल्ड प्लूटू, उस प्लूटू को बोलते हैं इल्ड प्लूटू। और उसके बाद जब कार्बन और आयरन आपस में जुड़ गए, स्ट्रेंथ बन गई वापस, मतलब हड्डी हमारी जुड़ गई, फिर हमने हवा भरना चालू करी, वैसे स्टील ने भी हवा भरना चालू करी, फिर वो शक्तिमान बन गया और हवाई जहाज उड़ा ली। यहाँ तक मेरी जैसे ही हवाई जहाज उड़ी, ठीक है भाई, जुड़ तो एक बार तो टूट चुकी, तो ये इस पॉइंट पे मेरी अल्टीमेट स्ट्रेस आ जाएगी। मतलब अब मैंने जितना करना था कर लिया, पहुंच गया अल्टीमेट स्ट्रेस में, और उसके बाद अगर गलती से गाड़ी ठुकी तो ये मेरी अल्टीमेट स्ट्रेस हो गई और स्ट्रेन की हार्डनिंग पोजीशन हो गई। उसके बाद अगर मेरी गाड़ी उड़ी ठुकी तो जब हड्डी एक बार टूटी जुड़ गई, दूसरी बार टूटी तो उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो अल्टीमेटली वो आके ब्रेक हो जाएगी और ब्रेकिंग स्ट्रेस कहलाएगी। तो अपनी हड्डी से समझ लो कि पहली बार डॉक्टर पहले जवानी के जोश में आए, फुल हवाई जहाज उड़ाई, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ नीचे आ गए, फिर हड्डी जुड़ती रही, महीने डेढ़ महीने का हिल्ड प्लूटू का टाइम हुआ, और उसके बाद जुड़ने के बाद फिर हम शक्तिमान बने और फिर हमने उड़ना चालू किया, और अब ठुके तो सीधे जाके ब्रेकिंग स्ट्रेस पे आ गए। तो हड्डी जुड़ने के बाद, मतलब देखो फ्रैक्शन तो आ ही चुका, एक बार तो टूट ही चुके, डर बैठना चाहिए, डर नहीं बैठा, हमने फिर हवा भरी, वैसी स्टील ने हवा भरी और वो अपनी अल्टीमेट स्ट्रेस तक चला गया, और उसके बाद जब टूटा तो फिर स्वाभाविक बात है कि तो धीरे धीरे स्ट्रेस चली गई और आपकी ब्रेकिंग पॉइंट में आ गया। तो सेम फंडा आपकी एक्सीडेंट वाली कहानी से, आपकी जवानी में हवाई जहाज मतलब बाइक उड़ाने से, पायलट बनने से, वही सेम कहानी यहाँ है। तो आपका समझ में आ गया, तो माइल्ड स्टील का ये कर्व आपको बहुत अच्छे से आपने डिटेल में पढ़ा होगा, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी डिटेल से आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। अगर आपने टॉस टू पढ़ा है और आपके टीचर ने पढ़ाया या मुझसे पढ़ा है, तो उस पर आपको प्लास्टिक एनालिसिस के टाइम में माइल्ड स्टील के कर्व के बारे में बताया गया था, वो है। कोशिश करूंगा यहाँ भी वो जो प्लास्टिक एनालिसिस के टाइम पे पढ़ाया था वो, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट पार्ट है, इसलिए देखते हैं डालना होगा तो लेक्चर डाल देंगे, नहीं तो अभी तो आप इतना समझें। इसका मतलब समझ में आ गया कि माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट ही क्यों यूज़ करी, क्योंकि रॉट आयरन यूज़ कर रहे थे, डक्टिलिटी अच्छी थी लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी नहीं थी, और कार्बन परसेंटेज लेस देन 0.15% था। उससे बढ़ाने के लिए हमने कार्बन परसेंटेज बढ़ाया 2 से 4.5 के बीच में, 4 के बीच में, किसी किताब में 2 से 4 लिखा होगा, किसी में 4.5, जो आ जाए समझ में आ जाए ठोक देना, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी है। तो पता चला कि डक्टिलिटी तो चली गई उसकी और हार्डनेस बढ़ गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब स्ट्रेंथ तो बढ़ गई भाई, लेकिन सेक्शन ब्रिटिल हो गया, और जब ब्रिटिल हो गया तो जब स्ट्रेंथ बढ़ने मजबूती तो ठीक है, लेकिन बहुत लंबा नहीं चले तो क्या ही मतलब। इसका मतलब वो ड्यूरेबिलिटी उसकी कम हो गई, डक्टिलिटी कम हो गई, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो क्या हुआ, वहाँ भी लफड़ा हो गया। फिर हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया और हमने बोला कि जब 0.15% पे डक्टाइल ज़्यादा था स्ट्रेंथ कम थी, 2% पे क्या हो रहा था कि स्ट्रेंथ अच्छी हो रही थी डक्टाइल कम हो रहा था। तो हमने ला 0.15 से लेके 0.25 के बीच में प्रैक्टिकल करके देखा और ज़्यादा भी करके देखा, तो अल्टीमेटली 0.15 से लेके 0.25 तक के बीच में कार्बन परसेंटेज में डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों मिल रही थी। जब दोनों मिलने लगी तो हमारा स्टील का नया नाम हो गया माइल्ड स्टील, और माइल्ड स्टील को हमने यूज़ करना चालू कर दिया सेक्शन पे, और उस पे जो पहला फ्रैक्चर आता है उसकी स्ट्रेंथ प्रैक्टिकली मुझे पता चली
कि 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक का वो स्ट्रेस झेल सकता है, इसलिए यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इज 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और उसी की हेल्प से हम बोलते हैं क्योंकि ये 250 इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, तो एफई 250 से भी इसको हम जानते हैं। तो इसको बना लीजिए, तो हमने बोला प्लेन बार, तो ठीक है प्लेन बार मतलब आप समझ के चलिए कि केवल ये इस तरीके की प्लेन बार, जब ये कंक्रीट के साथ रहेगी तो इस पर बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या है, रहेगी, तो ऐसा नहीं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, लेकिन ये स्लिपरी होने की चांसेस रहेगी। तो अगर इस सरफेस पे, अगर इस प्लेन सरफेस पे मैं कुछ ऐसा कर दूँ जैसे मैं करता हूँ ना कि अगर मेरा कोई पत्थर कोई फर्श स्लिपरी है तो गिर जाऊंगा, टाइल और उस पर पानी आ गया तो स्लिपरी है तो गिर जाऊंगा, या मार्बल या ग्रेनाइट लगा हुआ है तो ग्रेनाइट अगर चिकना है पॉलिश ग्रेनाइट है तो स्लिपरी रिस्क की चांस ज़्यादा है, तो उस केस पे मैं क्या करता हूँ, उस केस पे मैं दूसरा फ्लेम ग्रेनाइट जिसमें ऐसे धब्बे 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 होते वो यूज़ कर लेता हूँ, या मैंने देखा होगा स्टेयर केस जिस पर ग्रेनाइट लगा है उसके आखिरी में तीन ग्रुप बना देता हूँ ताकि फ्रिक्शन बना रहे। तो सेम चीज़ फ्रिक्शन डेवलप करने के लिए इस पे भी कुछ ऐसा हम डेवलप कर दें ताकि ये फ्रिक्शन और बॉन्ड स्ट्रेंथ में बनी रहे, स्लिपेज ना हो, तो उस केस के लिए हम इस पे क्या करते हैं, रिब प्रोवाइड करा देते हैं, रिब प्रोवाइड करा देते हैं, क्या प्रोवाइड करा देते हैं, रिब। रिब से क्या होगा, जब आप कोई चीज़ है उसको पकड़ोगे और रिब है गड़ेगी तो वो आपस में जब एक अलग से इस तरीके से सरफेस रहेगी किसी उस पर, तो क्या होगा, दो मटेरियल को बॉन्ड होने में आसानी रहेगी, प्लेन में थोड़ा सा स्लिपेज जिसकी चांस ज़्यादा है, डिफॉर्म में कम है। तो प्लेन बार को ही डिफॉर्म बार में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेम प्रॉपर्टी के साथ। तो डिफॉर्म बार क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो फॉर डिफॉर्म बार इज़ अ वन विच इज प्रोवाइडेड विद लग्स, मतलब वही ऐसा गोल गोल कॉइल टाइप का रिब और डिफॉर्मेशन, कुछ भी डिफॉर्मेशन बना दिया ताकि उसका क्या रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द बार टू मिनिमाइज द स्लिपेज, है ना। चिकना रहेगा तो स्लिप होने की चांस ज़्यादा रहती है, अगर ये खुदड़ रहेगा तो पकड़ हमारे हाथ में ज़्यादा आती है, वैसे ही सेम चिकना और बिल्कुल पॉलिश ग्रेनाइट है तो गिरने की चांस ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगर वही थोड़ा खुरदुरा है, है ना, रफ है, रफनेस है उसमें, तो गिरने की चांस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो सेम वही हमने बोला कि द डिफॉर्म बार इज वन विच द प्रोवाइड विद द लग्स रिब्स और डिफॉर्मेशन ऑन द सरफेस ऑफ द बार टू मिनिमाइज द स्लिपेज ऑफ द बार इन कॉन्क्रीट सो दैट इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्लिपेज कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, एक्सिड ऑफ द प्लेन बार ऑफ द सेम साइज की जो भी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 60% बढ़ जाएगी अगर इसको मैं डिफॉर्म्ड बार बना दूंगा, ठीक है। द परमिसिबल स्ट्रेस फॉर द डिफॉर्म्ड माइल्ड स्टील बार आर द सेम एज प्लेन स्टील बार, क्योंकि प्रॉपर्टी है तो सेम है तो माइल्ड स्टील, कार्बन कंटेंट तो सेम है, चीजें तो सेम है, तो इसकी जो यील्ड स्ट्रेस है या यील्ड स्ट्रेंथ है वो तो सेम रहेगी, केवल बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी अप टू 60%, ठीक है। और माइल्ड स्टील प्लेन बार आर रिप्रेजेंट बाय सिंबॉल फाई, तो कभी ड्रॉइंग में ऐसा फाई बना दिख जाए तो समझ जाना कि माइल्ड स्टील यूज करना है। प्लेन बार ऐसी होती है, डिफॉर्म बार ऐसी होती है, ये हमने बना दिया, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे। अब हम बात करें HYSD स्टील की, तो HYSD स्टील आपका क्या हो जाएगा, माइल्ड स्टील से ऊपर रहेगा, प्लस इसमें कार्बन परसेंटेज भी थोड़ा सा बड़ा रहता है, जनरली कई किताबों में कुछ तो 0.6 से 0.8% के बीच में हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार में HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार HYSD, ठीक है, डिफॉर्म बार में जनरली जो कार्बन परसेंट 0.6 से 0.8% रहता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है। प्लस यहाँ पे जब आप बात करोगे, जैसे आपने वहाँ Fe 250 लिखा था, तो ये दो अलग रेंज, Fe 415, Fe 500, अब 550 भी चल रही है और 600 के लिए प्रैक्टिकल चल रहा है, तो ये मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ में जब आप देखोगे तो साइट पर जाते हो तो Fe 500 अकेला नहीं, कहीं लिखा होगा Fe 500D, Fe 550D, तो Fe 500 तक तो समझ में आ रहा है कि Fe मतलब आयरन और 500 मतलब 500 उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है या अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, लेकिन Fe 550D है, इसका मतलब Fe तो आयरन हो गया, D क्या बताएगा कि एस कंपेरिजन टू Fe 550D में हायर वैल्यू ऑफ डक्टिलिटी होगी, थोड़ा ज़्यादा डक्टिल होगा और जितना डक्टिल होगा एलोंगेशन भी उतना बढ़ेगा, तो ये डी कहीं आपको सरिया पे 550 Fe 550D दिख जाए तो डी मतलब उस नॉर्मल 550 से डक्टिलिटी भी ज़्यादा है, एलोंगेशन भी ज़्यादा है,
500 में भी वही, तो ये Fe तो आयरन के लिए शो करता है और D उसके हाई वैल्यू ऑफ डक्टिलिटी को शो करता है। तो मैं अगर बात करता हूँ कि हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार जिसको HYSD से शो करता हूँ, उसको मैंने बोला देयर आर ऑल्सो नोन एज, वही शॉर्ट में लिख दिया HYSD बार, दे हैव हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील, है ना, देयर स्ट्रेंथ इज हायर देन दैट ऑफ माइल्ड स्टील। सीधी बात है कि कार्बन जब बढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि जब मैं देख रहा हूँ रॉट आयरन तो कार्बन 0.15% से कम रख रहा था तो उसकी स्ट्रेंथ कम थी, डक्टिलिटी ज़्यादा थी। जब मैं कास्ट आयरन में 2-4% के बीच में रख रहा था तो स्ट्रेंथ बहुत हाई हो रही थी लेकिन डक्टिलिटी कम हो रही थी। तो हमने वही 0.15 से 0.25 के बीच में रखा था तो माइल्ड स्टील आ गई थी। अब माइल्ड स्टील से ऊपर है HYSD स्टील तो इसलिए हमारा कार्बन परसेंटेज बढ़ा। और मैंने बोला जनरली 0.6-0.8% रखते हैं, वो प्रॉपर्टी में आप जब जाएंगे तो अलग अलग स्टील अलग अलग उस पर कंपोजिशन पर चलता है। तो वहाँ पे आपने जैसी कार्बन परसेंटेज बढ़ाया तो डेफिनेटली जो Fe 250 था वो बढ़ गया, वो शूट आउट होकर Fe 415 Fe 500 तक चला गया और वो अल्टीमेट वैल्यू वहाँ ले लेते हैं और एक प्रूफ स्ट्रेस आगे आएगी उसकी भी हम बात करते हैं। तो ये चीज़ है, तो हमने लिखा कि एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील ज़्यादा रहेगी। दिस बार आर अवेलेबल आर टू टाइप, दो तरीके से रहती है, हॉट रोल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार जिसको IS 1139/1966 पार्ट टू से हम कन्फर्म करते हैं, वैसे पीछे लिखा होगा IS 432 तो उससे भी कन्फर्म करते हैं। और ये IS दूसरी अगर मैं बात करता हूँ कोल्ड वर्ग्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार तो वो IS 1786/1979, जनरली हम इसी को यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम पे। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कारण चेंज है इनके नाम, ठीक है। इसी कोल्ड वर्ग हाई स्टील स्ट्रेंथ बार का ट्रेड नेम है टॉर स्टील, तो कहीं टॉर 40 लिखा रहा है तो समझ जाना Fe 415 है, टॉर 50 लिखा रहा है समझ जाना Fe 500 है, ठीक है। टॉर स्टील और टिस्ट्रंग और टिस्कन और ग्रिप, ये भी आपका CTD या इसी को हम बोलते हैं कोल्ड वर्ग हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार को ऑल्सो हम बोलते हैं CTD कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार, ठीक है, और टॉर स्टील एंड आर अवेलेबल इन टू ग्रेड्स, ठीक है, कौन कौन से Fe 415 और टॉर 40 या Fe 500 और टॉर 50। और इसको डिफॉर्म बार को कहीं ड्राइंग में सिंबल में शो कर रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से सर्कल और दिसाफाई या हैश से शो करते हैं। मैंने बोला अभी नाउ डेज 550 भी अवेलेबल है मार्केट में, सब उस पर टेस्ट हो चुका है, तो 500 से ऊपर यूज़ करना है। 550 यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ेंगी तो और स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। मैंने बोला मार्केट में Fe 500 भी मिलता है, Fe 500 D भी मिलता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो Fe 500 मतलब उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 500 है और यहाँ पे या यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 500 है और यहाँ पे जो आपकी Fe 500 D में क्या होगा एज कम्पेयर टू Fe 500, वहाँ पे आपकी डक्टिलिटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और डक्टिलिटी बढ़ गई तो एलॉन्गेशन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यहाँ तक लिखिए पहले, अगर हम बात करें तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार में आगे चलें तो हमने बोला आज ट्विस्टेड डिफॉर्म बार हैज़ अबाउट 50% हाई यील्ड स्ट्रेस ऑफ प्लेन बार। तो कभी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे कि HYSD बार का जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो माइल्ड स्टील से कितनी, तो 50 टाइम्स ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, मतलब 1.5, मतलब अगर इसकी 10 है तो इसका 15 हो जाएगी ये मान के चलिए, ठीक है। अ डिफॉर्म बार हैज़ कोरोगेशन और रिब ऑन द सरफेस ऑफ द बार टू इंक्रीज द बॉन्ड एंड परसेंटेज स्लिप ऑफ द बार, वही जैसे डिफॉर्म बार की बात करी थी प्लेन के ऊपर ग्रिप और कोरोगेट रहता है वैसे इस पर भी रिब रहेगा, ठीक है, जिससे आपकी स्लिपिंग बच जाएगी, है ना, प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ द बार इन कॉन्क्रीट। एंड दिस बार्स डू नॉट शो द डेफिनेट यील्ड पॉइंट, कोई डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं उसका, तो ठीक है 250 के बाद टूटेगा माइल्ड स्ट्रेस पे नहीं, सो द यील्ड पॉइंट इज टेकन 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है, विच इज डिटरमाइंड फॉर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एज फॉलोज। कैसे निकाल सकते हैं, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेन वैल्यू 0.02, 0.02 पे एक आप पैरेलल लाइन खींच दीजिए। द पॉइंट वेयर दिस लाइन कट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज टेकन एज द यील्ड स्ट्रेस ऑफ और 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस। क्या किया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया उसका, वो तो स्टील के प्रैक्टिकल से आएगा, और उस पे 0.02% स्ट्रेन पे 0.02% स्ट्रेन पर 0.02% स्ट्रेन पर एक लाइन पैरेलल खींच दो और वो जाके जहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को काटेगा वही उसकी यील्ड स्ट्रेस कहलाएगी या 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस कहलाएगी। HYSD बार को क्यों ही हम लेते हैं, क्या रीज़न है उसका लेने का, तो पहला रीज़न है हाई स्ट्रेंथ है तो HYSD बार हैविंग
हाई यील्ड स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू प्लेन बार, और एज पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो क्योंकि ये डिफॉर्म बार है तो एज पर आईएस कोड 456/2000 उस आईएस कोड के हिसाब से वहाँ आपको मिल जाएगा कि एच वाई एस डी की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 60% ज़्यादा है प्लेन स्टील बार से। ये कहाँ देखने को मिलेगा ये लाइन? तो आई एस कोड जब आप खोलेंगे ये लाइन कहाँ देखने को मिल जाएगी? आई एस कोड जब आप खोलेंगे और आई एस कोड पे एक टेबल मिलेगी कि आपको पेज नंबर 43 पे, तो पेज नंबर 43 आई एस कोड में एक टेबल बनी होगी 26.2.1.1 डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ और लिमिट स्टेट मेथड फॉर द प्लेन बार इन टेंशन। ये प्लेन बार के लिए, लेकिन उसी के नीचे फॉर द डिफॉर्म बार द कन्फॉर्मिंग टू आई एस 1786 से जो भी डिफाइन करेगा शैल बी इंक्रीज 60%। तो डिफॉर्म बार के लिए 60% आपकी इंक्रीज हो जाती है। ये मेरे घर से नहीं बोलता हूँ, ये लाइन जो है ये कहाँ मिल जाएगी? पेज नंबर 43 पे कहाँ मिल जाएगी? पेज नंबर 43 ऑफ आईएस कोड में मिल जाएगी, है ना। यहाँ मैं दिख नहीं पा रहा तो मैं यहाँ आगे लिख दूंगा कहाँ मिलेगी आईएस कोड के, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पेज नंबर 43 पे, चेक कर लेना दिख जाएगी पेज नंबर 43 पे, ये दिख जाएगी पेज नंबर 43। बोर्ड छोटा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, पेज नंबर 43 पे आप आईएस कोड खोल के देखेंगे टेबल के जस्ट नीचे दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिए। तीसरी चीज बात करें इकोनॉमिकली, तो माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, जबकि आपका एच वाई एस डी एस कम्पेयर टू माइल्ड स्टील अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन वो क्यों पड़ता है? वो प्रोसेस है, क्योंकि बनाने की प्रोसेस अलग है, माइल्ड स्टील की अलग है। एच वाई एस डी बनाते समय गर्म करेंगे, फिर उसको ठंडा करते समय ट्विस्ट कर देंगे, ट्विस्ट करने पर उस पर बार सजाएंगे, उसका एक पैटर्न होगा, सब चीज़ें रहेंगी, तब जाके वो ट्विस्टेड बार कहलाएगी, तो वो सब करना पड़ता है उस केस पे। लेकिन इसलिए थोड़ा सा उसका पैसा ज़्यादा लगता है। लेकिन जब मैं बात करूँ माइल्ड स्टील यूज़ कर रहा हूँ और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ जिसके लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ वो 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज़्यादा नहीं ले सकते, और यहाँ देखें तो एच वाई एस डी 415, 550, 500 और 600 के लिए भी चल रही है अभी, कहाँ नहीं। तो इतना जब आ रही है तो डेफिनेटली जब स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पे आपका क्या होगा, स्टील कम लगेगा, और क्योंकि 150% डेढ़ गुना ज़्यादा है। अगर मैं 10 को यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रेंथ के लिए और वहाँ 15 दे रही है तो 15 वाली ज़्यादा कम, ज़्यादा वो स्ट्रांग रहेगी और कंपेरिजन टू क्वान्टिटी कम लगेगी। तो ओवरऑल जब प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करूँगा तो यील्ड स्ट्रेंथ में इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंटली महंगी है, लेकिन जब जब मैं बात करूंगा कि कैलकुलेशन के टाइम पे, तो कैलकुलेशन ऑफ स्टील पे इसका एच वाई एस डी कम लगेगा, माइल्ड स्टील ज़्यादा लगेगा, तो पैसा इक्विवेलेंट पड़ जाएगा और ज़्यादा ज़्यादा एच वाई एस डी इकोनॉमिकल पड़ जाएगा। तो यही मैंने लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ द एच वाई एस डी बार इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज माइल्ड स्टील, बट द यूज ऑफ एच वाई एस डी बार इज लीड टू ओवरऑल इकोनॉमी एज अमाउंट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इज लेस ड्यू टू द हाईर टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद में एक नॉर्मल ऐसी बात बताता हूँ कि जो टॉर करके कंपनी थी वो फर्स्ट कंपनी थी जिसने एच वाई एस डी स्टील बनाई थी, इसलिए टॉर स्टील भी हम कहते हैं। सेकेंड, एच वाई एस डी और माइल्ड स्टील में केमिकल कंपोजिशन तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है, ठीक है, लेकिन मैथड ऑफ मैनुफैक्चरिंग डिफरेंट रहती है, ठीक है, मैथड ऑफ मैनुफैक्चरिंग डिफरेंट रहती है, ठीक है, बनाने का प्रोसेस अलग रहता है, ठीक है। उस मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के कारण स्टील की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ना, इसलिए स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कंपोजिशन तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है, ठीक है। एच वाई एस डी को पहले क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे, ठीक है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करते हैं, फिर उसको हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने के टाइम पे टेम्परेचर क्या, ठंडा होने के बाद उसे हम खींचते हैं और ट्विस्ट करते हैं, खींच के ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। यील्डिंग मीन्स क्या हो जाता है इस केस पे स्टील पे, कि आपका स्ट्रेन इंक्रीज हो नहीं हो, ठीक है, यील्डिंग मीन्स आपका हो जाएगा स्ट्रेस इंक्रीज करो या ना करो, लोड दो ना दो, उसका स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, स्ट्रेन बढ़ना उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वो 0.2 प्रूफ स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा, और डक्टिलिटी इसकी उस केस पे लेकिन कम हो जाती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है ना। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसी टाइम उसको ट्विस्ट भी कर देते हैं, ये एच वाई एस डी की बात है।
देन अगली स्टील आती है जिसका नाम है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार, TMT। तो उसकी बात करते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। अगर मैं बात करूँ थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार की, TMT की, तो उसका क्यों यूज़ करना है, क्या है, उसकी बात करता हूँ। तो मैं बात करूँ अगर TMT की, तो TMT आपका जो बार है वो थर्मल और मैकेनिकल प्रोसेस दोनों एक साथ होती है और चलता रहता है। तो मतलब इसको ठंडा होने की ज़रूरत नहीं है, गर्म होगा उसी में रीबार भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस मेक स्टील रिलेटिवली मोर करोजन रेजिस्टेंस। क्या होता है समझना, जब स्टील को आप गर्म करते हो, गर्म करके उसी टाइम जो करना कर लोगे तो ठीक है, गर्म करके ठंडा होते समय उसको फिर ट्विस्ट करोगे तो प्रॉपर्टी उसकी गर्म करने से कहीं ना कहीं फेलियर की चांसेस ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ कम होने की चांस होती है। और जब आप ठंडा होने का ट्विस्ट करते हो तो कुछ ना कुछ क्रैक्स होंगे, उसके फेरस निकलेंगे, वो सब रहता है। ये कॉम्बिनेशन है, काम भी चलते रहेगा, ट्विस्टिंग भी होती रहेगी गर्म में, और सब चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ने की चांस ज़्यादा होती है और करोजन फ्री होता है। क्योंकि करोजन लगता ही कब है, जब पानी और एयर जाए तो कहीं वॉइड्स होंगे तभी तो, जब एक साथ ही बन रही है कंप्लीट फॉर्म पे हो रही है तो फिर करोजन की चांसेस कम रहेगी, ठीक है। TMT बार आर रिलेटिवली मोर डक्टाइल देन HYSG बार, ठीक है, डक्टाइल भी रहेगी। TMT बार हैव फुल रिलेवेंट फीचर्स ऑफ HYSG बार, तो HYSG बार के पूरे वो फीचर्स रहते ही हैं, इसलिए हम TMT बार ही साइट पे यूज़ करते हैं, इसलिए ऐड हमें TMT बार के ही दिखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनर जो लेयर रहती है वो डक्टिलिटी के लिए रहती है, मिडिल जो लेयर रहती है वो हार्डनेस के लिए और स्ट्रेंथ के लिए, वर्केबिलिटी लेयर रहती है, और ऊपर की जो लेयर रहती है वो करोजन रेजिस्टिव लेयर रहती है। इसको लिख लीजिए, TMT बार की अगर अपन बात करें तो क्या एडवांटेज है, वो तो हमने बात करी ली। TMT बार जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये कंट्रोल प्रोसेस रहती है, ठीक है, होल रोल सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस रहती है, ठीक है, और कंट्रोल कूलिंग प्रोसेस रहती है, ठीक है। इसी कारण से इसका इंटरनल पार्ट डक्टिलिटी के लिए, मिडिल पार्ट हार्डनेस के लिए, और आउटर पार्ट करोजन के लिए रहता है। तो मतलब पूरा एक सिक्वेंसली प्रोसेस रहती है आपकी ये, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करता हूँ तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारी यील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है विदाउट लूजिंग एनी प्रॉपर्टी, यील्डिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रेंथ हाई होती है तो हमें पता ही है, वेलेबिलिटी बढ़ जाती है, टफनेस बढ़ जाती है, बार बेटर करोजन रेजिस्टिव होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली TMT होता है जो आप यूज़ मैक्सिमम टाइम करते हैं। इसके बाद आती है आपकी, इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी CRS, करोजन रेजिस्टेंस स्टील बार, करोजन रेजिस्टेंस स्टील बार। आपका करोजन रेजिस्टेंट स्टील बार क्या है, CRS। अब क्योंकि करोजन अगर बचा लेंगे तो हमारे स्ट्रक्चर की लाइफ और बढ़ सकती है, ठीक है। तो उस केस पे ये हमारा लेटेस्ट डेवलपमेंट है स्टील बार में, CRS। दूसरी चीज, इस पे जो आपका कार्बन परसेंटेज एज कम्पेयर टू HYSG बार कम रहेगा, 0.18% रहेगा, लेकिन इसमें करोजन बचाने के लिए हम जो क्रोमियम है उसको 1.5% तक इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, ताकि करोजन रेजिस्टेंट रहे, बाकी सब प्रॉपर्टी सेम रहती है। और इंडिया में सेल, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी CRS बार बना रही हैं, दे आर कोटेड विद करोजन रेजिस्टेंट एलिमेंट, करोजन रेजिस्टेंट एलिमेंट से उसको कोट कर देते ताकि सेफ रहे। इसको वीडियो रोक के रख लीजिए, कभी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। अगर इसके बाद बात करूं TMT के बाद और CRS के बाद, तो हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक, ये कुछ नहीं होती आपकी, 3 mm से 10 mm के बीच में आपका बारी रहता है इस तरीके से, और दूसरा बार इसके लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रहता है जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहते हैं। इसका डाया 3 mm से लेकर 10 mm के बीच में रहता है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हो जाता है, और ये आपस में स्पॉट वेल्डिंग, ऐसे यहाँ टाके लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग की हेल्प से आपस में जुड़े रहते हैं।
तो इससे फ़ायदा बस ये हो जाता है कि अगर इस डायमीटर का चाहिए, अच्छा एक चीज़ याद रखिए कि अगर इसका डायमीटर फाई है तो इसका भी फाई रहेगा, चेंज नहीं रहेगा। इसका मतलब डायमीटर अगर एग्जाम्पल के लिए 10 mm है तो ये भी 10 mm ही रहेगा और एक दूसरे से 90 डिग्री में रहेंगे, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, तो जनरली इसका उपयोग स्लैब, जहाँ स्लैब होगी और क्योंकि सोनों का डायमीटर सेम है तो बोथ डायरेक्शन पे डायमीटर सेम है तो सेम स्ट्रेस भी डेवलप करेगा, सेम स्ट्रेन भी गेन करेगा और सेम आपका लोड भी गेन कर लेगा। तो स्लैब के केस में अपन जनरली इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या बचाता है? कुछ नहीं। अगर आप नॉर्मल रेनफोर्समेंट करते हो तो उसको बांधने के लिए बाइंडिंग वायर, लेबर, सुपरवाइजर सब चाहिए, फोरमैन चाहिए। इसको ऐसे करने में कुछ नहीं करना है क्योंकि ये वेल्डिंग है, सीधे ले जाके रख देना है। तो क्या लिखा, दिस आर मेड इन टू लेयर वाइज स्क्वायर मैश और ओबलॉन्ग मैश, जैसा भी कर सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वायर एट राइट एंगल टू वन अनादर जॉइंट बाय रेजिस्टेंट स्पॉट वेल्डिंग। This reduces the cost of labor and fabrication in field. The mesh is available in diameter from 3 to 10 mm. The diameter being same in the both direction. The both direction can serve the main reinforcement. जब same diameter है तो main reinforcement रही। Usually those mesh are employed as slab reinforcement. तो कभी ऐसा पूछे, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन मालूम होना चाहिए। इसका मतलब आरसीसी पढ़ते समय मैंने कंक्रीट की पूरी कहानी पढ़ ली, आरसीसी पढ़ते समय स्टील क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं और हम क्या यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे फील्ड में TMT, जनरली यूज़ करते हैं थर्मी मैकेनिकली ट्रीटेड बार। वो HYSD का ही एक पार्ट होता है, उसकी स्ट्रेंथ इलोंगनेशन ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू HYSD। तो TMT जनरली हम फील्ड में यूज़ करते हैं। Fe 415 जो वहाँ था, यहाँ जनरली हमारा फील्ड में या जो भी बड़े बड़े DSR होता है, मतलब बड़ी बड़ी एक जो फर्म होती है CPWD PWD, उस पर साफ लिखा रहता है कि जो TMT बार है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ Fe 500 से नीचे यूज़ नहीं करनी। इसका मतलब फील्ड के केस में Fe 500, Fe 500D, Fe 550D, Fe 550 ये यूज़ करना रहता है इन जनरल फील्ड में। किताब में तो पुरानी है तो नए उस सब चीज़ों में अंतर थोड़ा बहुत आता है। पेपर में भी हो सकता है आपसे लिखेगा जहां कुछ नहीं दिया हुआ Fe 415 यूज करना, तो कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं पढ़ाता हूं केवल किताब के बेस पे नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट बेस, एक्सपीरियंस और सब चीज़ों को लेके पढ़ाऊंगा ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए और करें। पेपर में तो जो लिखा है उसकी जगह क्या होगा वो लिखना सिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया था M1 मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट में स्ट्रेंथ, जो करेक्टर स्ट्रेंथ है वो मोहन है, तो वैसे ही यहाँ भी मैं समझाते रहूँगा। रिसेंट डेवलपमेंट में मैंने यही बताया कि स्टील को रिप्लेस करके देख रहे हैं बम्बू से और चेक कर रहे हैं, लेकिन बम्बू में कहीं ना कहीं परेशानी थर्मल कोफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन की आएगी और दूसरा आएगा उस पर सड़ने की, है ना। दूसरा 550D आपका TMT यूज़ कर रहा है, मार्केट में आने भी लगा है तो मैक्सिमम टाइम वही यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को बोला जाता है कि Fe 500 के ऊपर लिया तो 550D का भी वही पैसा लग रहा है, 500D का भी वही लग रहा है, तो और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आदमी वही यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका रिसेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया कॉन्क्रीट, हमने पढ़ लिया स्टील, दोनों को मिलके अब जो बनेगा वो कहलाएगा RCC और वो एक मोनोलिथिकली एक सॉलिडिफिकेशन के बाद स्ट्रक्चर क्या करता है, क्या उसका वो रहता है, वो RCC के अंदर हमारा इंटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से हम एक्चुअल में RCC के अंदर इंटर कर रहे हैं। जितना अभी पढ़ाया वो सब ऑब्जेक्टिव थ्योरी वाले न्यूमेरिकल में उसका बेस को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो साथ में पढ़ते जाएंगे, उसमें थोड़ी सी थ्योरी और बाकी न्यूमेरिकल का पार्ट चालू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की चांस होती है। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके बारे में डिटेलिंग होनी चाहिए, तो ये डिटेल है। अब जो हम पढ़ेंगे प्योर RCC के न्यूमेरिकल और क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या अजम्पशन होता है, वो हम उस पर अब इंटर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ तक आप पढ़ें। थैंक यू।